अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती भी दे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जस्ट ट्रैवलर और मैं नबील खान। व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी होने जा रही है। आज बन रही है हलीम या दलीम कह लें आप। व्यूअर्स, हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो चने की दाल ली, इसको मैं सारी रात भी गो दिया था, 1/2 टीस्पून मीठा सोडा लगा के। ये मूंगी की दाल है धुली हुई, ये मैंने 1 पाव लिए। और ये चावल का टोटा है, ये भी मैंने 1 पाव लिए। मसूर की दाल 1 पाव, दाल माश धुली हुई 1 पाव। ये बस ये जौ का दलिया, मैं इसमें गंदम यूज़ नहीं कर रहा, ना दलिया यूज़ कर रहा हूँ, ये बारीक दलिया है जौ का दलिया। इसको डालने से ये होगा कि जल्दी गल जाएगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो टाइम की बचत के लिए हम इसमें जौ का दलिया ऐड कर रहे हैं। ये अच्छे किसी ब्रांड का आपने लेना है। इन दालों को मैं आधा आधा घंटा भिगो दूंगा, इसको निकाल के आधे घंटे के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी का हम शुरू करते हैं। देजगा मैंने चढ़ा दिया बड़ा, इसमें दाल ऐड कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हाट्स मैंने इसको सोडा लगाया हुआ था, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था 4-5 दफ़ा पानी से। दाल माश आधा घंटा मैंने इसको भिगो दिया था। मसूर की दाल, इसको भी मैंने आधा घंटा भिगो के फिर दोबारा धो लिया था। दाल मूंगी की, इसको भी आधा घंटा भिगो दिया था। और ये चावल का टोटा, व्यूअर्स ये जो जौ का दलिया है जो डब्बे में मिलता है, इसको नहीं ऐड करेंगे, ये बहुत जल्दी गल जाता है। अगर गंदम साबुत और दलिया साबुत होता वो भी इसमें ऐड कर देते हम, वो भी इसको भी सारी रात भी गो के, तो लिहाजा इसको ये बहुत जल्दी गल जाएगा, ये बिल्कुल बारीक है। अब इसके अंदर मैं टोटल जो पानी होगा वह 4 लीटर होगा, इसको मैं बॉयल आएगा तो इसको मैं हल्की आंच पर रख दूंगा, ये पकता रहेगा 2 घंटे या 3 घंटे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दाल को मैंने 2 घंटे पकाया, फुल टेंडर हो गई दाल, ये तैयार हो गया। अब इसका मसाला बनेगा चिकन का, तो वो कैसे बनेगा मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। अब हम मसाला बनाने लगे हैं। 2 अदद मैंने प्याज मीडियम लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा पाव मैंने घी में डाला है, इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा लाल ना करें आप। दो टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, बस जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ये ओरिजिनल देगी है। देग वाले इसमें दही भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं दही ऐड नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से ये खट्टा हो जाएगा थोड़ा सा, और इसमें टमाटर भी नहीं जाएंगे।
आप मेरे चैनल जस्ट ट्रैवलर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया, अब इसमें मसाले जाएंगे। दो टीस्पून हल्दी पाउडर, दो टेबलस्पून धनिया पाउडर, तीन टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, फिलहाल एक टेबलस्पून मैं नमक ऐड कर रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यह स्पेशल मसाला हलीम मसाला, आप किसी अच्छी ब्रांड का ले लें आप। वन टेबलस्पून, टू टेबलस्पून, ये तकरीबन फोर टेबलस्पून बनता है। इसमें खुशबू इसकी बहुत माशाल्लाह अच्छी आ रही है। इसको मैं एक मिनट भूनता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये चिकन मैंने लिया है, डेढ़ किलो चिकन है। ये ब्रेस्ट पीस है, बोनलेस मैंने करवा लिया था दुकानदार से। कुछ इसमें हड्डियाँ भी हैं, हड्डियों से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होगा। ये आप साबुत इसमें ऐड कर दें, बाद में हम इसके रेशा खोल लेने। चिकन मैंने ऐड कर दिया इसमें, मैं इसको कवर कर दूंगा, पानी नहीं ऐड करूंगा, ये अपना पानी छोड़ेगा। मैं इसको एक मिनट कवर करके फिर आपसे मिलता हूँ। इसको मैंने भून लिया एक मिनट अच्छी तरह। मसाला भूनने के बाद इसमें हरी मिर्चें आप ऐड कर दें, आठ से नौ अदद। ये भी मसाले के अंदर ही, इसको भी आप भून लें थोड़ा सा। हरी मिर्चों के साथ भी अच्छी तरह हमने इसको भून लिया। इसकी खुशबू इस टाइम बहुत अच्छी आ रही है। इसमें एक गिलास पानी ऐड कर दें आप। मैं इसको कवर करके रख दूंगा 15-20 मिनट के लिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चिकन हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब मैं चिकन सारा निकाल के इसके रेशे अलग अलग कर लूँगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चिकन सारा मैंने इसमें से निकाल लिया, अलग कर लिया था। अब इसके रेशे मैं खोलूँगा। दोबारा हमने देजगा चढ़ा दिए जिसमें दालें सारी बॉईल हो रही थी। अब स्टेज पर आके इसमें दलिया ऐड कर दें। दलिया को जो डब्बा मुझे मिला 170 ग्राम का था, ये दलिया बहुत जल्दी गल जाएगा। अब दलिया थोड़ा गलता है, मैं आपसे 15 मिनट बाद मिलता हूँ। द
10 मिनट मैंने दलिया को पका लिया था, 10 मिनट के बाद मैंने जो मसाला था चिकन का उसमें ऐड कर दिया। ये बाकी जो रह गया ये भी मैं ऐड कर दूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सारा मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया। व्यूअर्स, अगर आपने टाइम बचाना है तो आप मशीन से कर लें, अगर टाइम है तो गोटा लगा लें, गोटा वैसे ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चिकन के रेशे हमने अलग कर लिए थे, आग हल्की सी नीचे जल रही है, उसमें सारा चिकन ऐड कर दें आप। इसको मैंने ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं किया मशीन के साथ, थोड़ा सा पहले मैंने मशीन के साथ पेस्ट बना लिया था दाल का। अब बाकी मैं मशीन के साथ इसको भी गोटा लगा लूँगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चिकन मैंने ऐड कर दिया था, अब इसको दोबारा आप मशीन से गोटा लगा दें। बस ये तैयारी पर है, तो एंड पर थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड कर दें। चाट मसाले के बाद 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 गरम मसाला पाउडर, देखें कैसे रेशेदार हलीम तैयार हुआ। ये तैयार हो गया। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा गाढ़ा रखना है तो आप इसको 5 मिनट मज़ीद पका लें आप, लेकिन मेरे हिसाब से ये तैयार है। अब इसको जो तड़का लगेगा उसके लिए मैंने घी डाला है और इसमें मैं प्याज ऐड करने लगा। प्याज लाल होता है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज हमारे लाल हो गए, जब प्याज लाल हो जाए फिर इसमें आप अदरक डाल दें। अदरक को ज़्यादा पकाना नहीं आपने, ये तैयार हो गया। इसमें मैंने प्याज लहसुन का जो तड़का लगा इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स कर दें आप। माशाल्लाह इतना प्यारा कलर है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इसकी। कैसे रेशेदार हली हमारा तैयार हुआ है, ये देखिए। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दलीम तैयार हो चुकी है। अब ये मैंने अदरक, धनिया पुदीना और लेमन से गार्निश कर दिए। आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इनकी पैकिंग कैसी होगी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब इनकी पैकिंग के लिए आप देखें, ये मैंने बॉक्स लिया,
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए इसके रेशे देखें आप, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसमें डब्बे सारे तैयार कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। डब्बे सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं, ये देखें।